तो हम लोग प्रीवियस ईयर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि पहला चैप्टर आपकी बुक्स में रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक लेंदी चैप्टर है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिकली 7 चैप्टर्स का एक कलेक्शन है। पहले पुरानी बुक्स में ये चैप्टर सब अलग अलग दिए रहते थे, लेकिन इधर लास्ट 10 to 15 ईयर्स ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स हेडिंग में ये सारे चैप्टर एक साथ रखे गए हैं। लेकिन हम लोग जब प्रीवियस ईयर्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो हम ये जो 7 चैप्टर्स का कलेक्शन है, सारी चीज़ों को अलग अलग देखेंगे। इससे आपको फायदा ये होगा कि आप ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस कर पाएंगे और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो एक बार मैं आपको ये बता दूं कि ये चैप्टर्स कौन कौन से हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट में देखिए, एक तो प्योर मोल कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम लोग मोल एंड नंबर, मोल मास, मोल एंड वॉल्यूम, एसटीपी वाला, और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मॉलिकुलर फार्मूला, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, एक टाइप का वेपर डेंसिटी, इन सब का यूज देखते हैं। तो इसको हमने नाम दिया प्योर मोल कॉन्सेप्ट। कई पुरानी बुक्स में ये मोल कॉन्सेप्ट के नाम से था। फिर उसके बाद है कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन तो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में हमको जरूरत पड़ती है, मोलैरिटी, मोलिलिटी, स्ट्रेंथ इन ग्राम्स पर लीटर, परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, डब्ल्यू बाय वी, वी बाय डब्ल्यू, पार्ट्स पर मिलियन, नॉर्मेलिटी छोड़ के सारी कंसंट्रेशन हम लोग इसमें ले लेंगे। तो इसकी प्रॉब्लम्स हम लोग अलग देखेंगे, इसकी अलग हेडिंग में देखेंगे। फिर स्टॉक्योमेट्री, जिसमें लॉ केमिकल इक्विवेलेंट का यूज नहीं करेंगे, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन और मोल की जो चीजें सीखी हैं उसको अप्लाई करेंगे। इसमें लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट सीखेंगे और थोड़ा सा अप्लाइड पोर्शन है इडियोमेट्री का। वॉल्यूम के हेल्प से हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला डेवलप करेंगे कंबशन रिएक्शन करा के। तो ये एक अलग चैप्टर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक चीज सीखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। फिर फोर्थ टॉपिक हमने लिया है इक्विवेलेंट वेट एंड नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी इक्विवेलेंस बाय वॉल्यूम होता है, तो हमको सबसे पहले जरूरत पड़ती है नॉर्मेलिटी इक्विवेलेंट वेट की, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड्स, बेसेस, सॉल्ट्स, रिडॉक्स कंपाउंड, तब आप नॉर्मेलिटी सीख पाएंगे, क्योंकि नॉर्मेलिटी इक्विवेलेंस बाय वॉल्यूम है और इक्विवेलेंस वेट बाय इक्विवेलेंट वेट होता है। तो ये हमने एक अलग कैटेगरी रखी हुई है। इसमें हमको रिडॉक्स कंपाउंड का जब इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग, ये सारी चीजें आ जाती हैं। इसके बाद फिर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। इसमें हम लोग, ये भी स्टॉक्योमेट्री चैप्टर में ही काउंट किया जाता है, बट इसमें हम लोग वो वाली प्रॉब्लम्स रख रहे हैं जिसमें लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट अप्लाई करेंगे और बाकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन का यूज तो जो है वो करेंगे ही, लेकिन लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट्स का यूज जरूर होगा। तो जो हम स्टॉक्योमेट्री है इसमें लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट नहीं है, और इस वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम लोग टाइट्रेशन वाली प्रॉब्लम, जहां भी लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट यूज करेंगे, वो सारी प्रॉब्लम इस कैटेगरी में रखेंगे। इसके अब दो छोटी चीजें, एटॉमिक वेट्स, मॉलिकुलर वेट। इसमें अब उतने क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन पहले आते थे, कैनिजारोज मेथड, डूलोंग्स एंड पेटिट्स लॉ, लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, इन सबसे रिलेटेड जो चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे। कुछ ही सवाल आए हैं अभी लेटेस्ट में, उनको करेंगे। फिर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, अब लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल, गे-लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, ये देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट काफी सारे सवाल प्योर मोल कॉन्सेप्ट से आए हैं, कंसंट्रेशन से आए हैं, स्टॉक्योमेट्री से आए हैं, इक्विवेलेंट वेट वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से आए हैं, इनसे थोड़े कम आए हैं। तो ये जो चैप्टर है, मैंने जैसा कि बताया कि काफी बड़ा चैप्टर है, हम लोग इसको 7 सब टॉपिक्स में ब्रेक करके इसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पहले जो प्रॉब्लम्स लेने जा रहे हैं वो प्योर मोल कॉन्सेप्ट वाला लेने जा रहे हैं। तो प्योर मोल कॉन्सेप्ट, फिर कंसंट्रेशन, इस ऑर्डर में। और हम लोग जो है, जो भी लास्ट 5 ईयर्स में प्रॉब्लम्स है उनको पहले देखने जा रहे हैं, 2019 से लेकर 2023 तक जितनी प्रॉब्लम्स आई हैं, जितनी भी, हम सबको सॉल्व करेंगे इन हेडिंग्स के अंडर में। तो प्रीवियस ईयर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में हम लोगों ने पहला टॉपिक लिया है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और मैंने जैसा कि आपको बताया कि इसको हम 7 चैप्टर्स में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक लेंदी चैप्टर है और पहले ये 7 चैप्टर्स अलग अलग होते थे। तो उसमें पहले प्योर मोल कॉन्सेप्ट पर जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं वो सब हम लोग सॉल्व करेंगे लास्ट 5 ईयर्स की। फिर
फिर उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग और पहले की प्रॉब्लम्स देखेंगे। अभी हम लोग 2019 से 2023 तक की लास्ट 5 ईयर्स में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं वो देखेंगे। तो प्योर मोल कॉन्सेप्ट जिसमें हम लोग मोल एंड नंबर, मोल एंड मास, मोल एंड वॉल्यूम, एसटीपी का क्या कॉन्सेप्ट है, इन सब की थ्योरी भी देख लेते हैं शॉर्ट में। याद रहे कि ये थ्योरी मैं आपको एकदम टू द पॉइंट बताऊंगा, थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। अगर आप ये थ्योरी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसके जो मेरा मोल कॉन्सेप्ट के वीडियो लेक्चर्स हैं, जो चैप्टर का वीडियो लेक्चर है, वो आपको देखना होगा। यहाँ पे मैं फार्मूले एक बार ब्रीफ कर दूंगा, थोड़ा सा बता दूंगा, जिससे आप सवाल में जब अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी कहीं अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज जरूर करेंगे। तो प्योर मोल कॉन्सेप्ट में देखिए हम लोग क्या फार्मूले देखते हैं। तो एक तो है रिलेशन बिटवीन मोल एंड नंबर, रिलेशन बिटवीन मोल एंड नंबर। अब ये मोल का एकदम इनिशियल कॉन्सेप्ट है। जैसे 1 dozen हम लोग 1 dozen 12 को बोलते हैं, और कहीं भी दर्जन निकालना होता है तो नंबर बाय 12 कर देते हैं। जैसे 36 ऑरेंजेस हैं, अब हमसे कोई पूछे कि कितने दर्जन संतरे हैं तो हम 36 डिवाइड बाय 12, 3 आ जाता है ये, है ना। और इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली हम देख रहे हैं कि 36 में 12 के कितने ग्रुप बन रहे हैं, 3 ग्रुप बन रहे हैं, तो वो 3 दर्जन हो गया। उसी तरह जो मोल है ये 6.02 × 10²³ चीजों के कलेक्शन को बोलते हैं, इसको हम लोग अवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। अब अपने मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर में मैं ये भी बताता हूँ कि ये नंबर कैसे आया, ठीक है, ऐसा ही नंबर अजीब सा क्यों चूज किया गया, या इसकी हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, इन सब पे डिस्कशन होता है। यहाँ पे हम लोग फार्मूले देख रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जैसे 1 मोल इतनी चीजों का कलेक्शन है, तो 1 मोल एटम मतलब 6.02 × 10²³ एटम्स, 1 मोल इलेक्ट्रॉन तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल मॉलिक्यूल्स जो कि एटम से मिलके, जैसे मीथेन मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, CO2 मॉलिक्यूल, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स। अगर हमने कहा 2 मोल आयंस तो 2 × दिस, जैसे हम बोलते हैं 2 दर्जन तो 2 × 12, 5 दर्जन 5 × 12, 2 मोल 2 × अवोगैड्रो नंबर। हमने बोला 5 मोल प्रोटॉन तो 5 × 6.02 × 10²³ प्रोटॉन्स। तो जैसे दर्जन निकालने के लिए नंबर डिवाइडेड बाय 12 करते हैं, वैसे ही मोल निकालने के लिए नंबर बाय अवोगैड्रो नंबर करते हैं, नंबर बाय अवोगैड्रो नंबर। हम लोग कई बार ये नंबर ना लिख करके एक ये सिंबल यूज कर लिया करेंगे, तो नंबर बाय अवोगैड्रो नंबर। अब बेसिकली जब भी आपसे मोल पूछा जा रहा है तो ये पूछा जा रहा है कि 6.02 × 10²³ के कितने ग्रुप बन रहे हैं, तो उतने से डिवाइड कर दिया। बट ये ध्यान रहे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे यहां 36 ऑरेंजेस हैं तो जो दर्जन निकला वो ऑरेंजेस का निकलेगा, बनाना का थोड़ी ना निकल आएगा, एप्पल्स का थोड़ी निकल आएगा। उसी तरह जिसका मोल निकालना है उसी का नंबर डिवाइडेड बाय अवोगैड्रो नंबर करना। तो जैसे मेरा ये कहना है कि आपको मोल ऑफ एटम्स निकालना है तो नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एनए करोगे, मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एनए करोगे, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एनए करोगे, मोल ऑफ आयंस निकालना है तो नंबर ऑफ आयंस बाय एनए करोगे। जिसका मोल निकालना है उसी का नंबर निकालोगे एंड डिवाइडेड बाय अवोगैड्रो नंबर। मैं एक एग्जांपल से इसको समझाता हूं, फार्मूले भी हैं तो थोड़ा सा अच्छे से आप समझ लीजिए कि जैसे हमको दे दिया जाए कि 10^5 और हमको दे दिया जाए H2O मॉलिक्यूल्स। ये अब हमसे पूछा जा रहा है कि पहले बताइए इसमें कि मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, तो मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, ये तो ये जो दिया हुआ है 10^5 ये मॉलिक्यूल्स का नंबर है, बाय अवोगैड्रो नंबर कर देंगे। लेकिन अब हमसे बोला जाएगा कि मोल ऑफ टोटल एटम्स कितने हैं, एटम्स कितने हैं, तो देखो ये इतने मॉलिक्यूल हैं और सब में 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन का 1 ऑक्सीजन का, तो 10^5 मॉलिक्यूल सब में 3 एटम, तो ये नंबर ऑफ एटम्स हो गए, तो अब डिवाइड बाय एनए कर दीजिए। वही मैं कह रहा हूं जिसका मोल निकालना है उसी का नंबर पता करिए एंड डिवाइड बाय अवोगैड्रो नंबर। अब मान लो हमसे कोई बोल दे कि इसमें मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालिए, इलेक्ट्रॉन्स, तो अब आपको पता होना चाहिए कि यहां पर हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन तो 1 × 2 क्योंकि 2 एटम है, और इसमें क्या है 8 होते हैं तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इतने सारे मॉलिक्यूल हैं,
सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया बाय अवोगैड्रो नंबर। तो मैं यही आपसे कह रहा हूं कि जिसका मोल निकालना है उसी का नंबर पता कर लीजिए एंड अवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए। ये मोल एंड नंबर का फॉर्मूला हो गया। अब आइए, अच्छा एक चीज है, अब हमें मान लो जैसे मोल हो गया नंबर बाय एन ए, अब कोई कह दे मोल दिया है और हमको नंबर पता करना है, तो मोल में एन ए मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 2 दर्जन 2 × 12, वैसे 2 मोल 2 × NA, 10 मोल 10 × NA। तो उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे, बार बार बोल रहा हूं डिटेल्ड चीजों के लिए फिर आपको वो चैप्टर वाला जो वीडियो लेक्चर है वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन जब हम प्रीवियस ईयर्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि कम से कम आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है और इसलिए आपको फार्मूले पता है, बस एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूं सो दैट अप्लाई करते वक्त आपको मुश्किल ना हो, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ज्यादा इस पर ध्यान देना है, रिलेशन बिटवीन मोल एंड मास ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये मोल एंड मास यही एक्चुअल कॉन्सेप्ट होता है मोल का। तो पहले एक पॉइंट समझिए कि जो एटम का एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास एक ही चीज है। केमिस्ट्री की दुनिया में जब भी हम वेट बोलते हैं हमारा मतलब मास से होता है, ठीक है। तो एटम का एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास होता है। याद रहे कि अब एटॉमिक वेट को दो तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। अगर एएमयू में एक्सप्रेस करोगे, एएमयू में एटॉमिक मास यूनिट में, तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, और ये मास ऑफ वन एटम बताता है। ये बात बहुत मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूं, मैं तो कहूंगा कि इसको डिटेल में भी आप सीख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है सुनने के बाद कि आपको कितना आता है। मेरा ये कहना है कि एटॉमिक वेट एएमयू में ये रिलेटिव एटॉमिक मास है और ये मास ऑफ वन एटम बताता है। जैसे एग्जांपल के लिए नाइट्रोजन का 14 है, तो 14 एएमयू लोगे तो ये 1 नाइट्रोजन एटम का मास है, मतलब 14 एएमयू में एक नाइट्रोजन एटम है, तो 1 एएमयू में 1/14 नाइट्रोजन एटम है, तो एक्स एएमयू में x/14 नाइट्रोजन एटम है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि कभी भी हमको सैंपल का वेट एएमयू में दिया जाए, एएमयू में 1 AMU = 1/Avogadro number gram, वो एक अलग रिलेशन है, ठीक है। उसका डेरिवेशन नहीं पता है तो मुझे मैसेज जरूर करिएगा, मैं बता दूंगा आपको। तो वेट एएमयू में अगर दिया है सैंपल का और आपने एटॉमिक वेट से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ एटम मिलेगा। जैसे जैसे अगर कोई एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट 20 है, तो मतलब 20 एएमयू का एक एटम, तो मैंने कहा 60 एएमयू मतलब 3 एटम, 60/20, 100 एएमयू 100/20, 5 एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम मिलेगा। तो वेट एएमयू में है, एटॉमिक वेट से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ एटम मिलेगा। सपोज करो ये सॉल्व करके y आ गया और हमसे पूछा जा रहा है मोल, तो जब नंबर पता चल गया तो नंबर बाय अवोगैड्रो नंबर, तो ये हमारा मोल आ गया। अलर्ट रहिएगा। अब दूसरी चीज, अगर एटॉमिक वेट ग्राम्स में दिया जाए, अगर एटॉमिक वेट ग्राम्स में दिया जाए तो इसको ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं, और ये मास ऑफ वन मोल एटम मतलब 6.02 × 10^23 एटम्स का ये कलेक्टिव वेट है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, एटॉमिक वेट एएमयू में तो एक एटम का मास, एटॉमिक वेट ग्राम में तो वन मोल का ये मास है, एटॉमिक वेट ग्राम में तो ग्राम एटॉमिक मास, ये वन मोल का मास है, ठीक है। जैसे इसी को एग्जांपल लीजिए, नाइट्रोजन का 14 होता है, तो 14 ग्राम ये मास ऑफ वन मोल नाइट्रोजन एटम है, मतलब 14 ग्राम नाइट्रोजन लेंगे प्योर, तो उसमें नाइट्रोजन एटम्स लिए हमने, तो उसमें वन मोल नाइट्रोजन एटम्स है, ठीक है, वो वन मोल का मास है तो उसके अंदर वन मोल नाइट्रोजन एटम्स है। अब 1 ग्राम में कितने होंगे, 1/14 मोल, तो एक्स ग्राम में कितने होंगे, x/14 मोल। इसका मतलब है अगर वेट कभी भी हमको ग्राम में दिया जाएगा, वेट ग्राम में दिया जाएगा सैंपल का, और अगर हम एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे उसको तो मोल मिलेगा। यहीं पे ध्यान रखना है आपको, जब वेट एएमयू में दिया जाए एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे तो हमको नंबर मिलेगा, और अगर वेट हमको जो है ना ग्राम में दिया जाए और अब हम एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे तो हमको मोल मिलेगा। अब जब मोल मिल गया, मान लेते हैं सॉल्व करके बी मोल आ गया, ये बी मोल आ गया तो नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा, बी मोल है तो बी इंटू एन ए। दोनों चीजों को समझिए, पिछली बार एएमयू में जब था तो हमको नंबर मिला था, तो हमको नंबर मिला था नंबर बाय अवोगैड्रो नंबर, तो मोल आ गया। अब की बार जब वेट ग्राम में है एटॉमिक वेट से डिवाइड किया तो मोल आ गया, अब मोल को नंबर में बदलना है तो मोल इंटू एन ए।
अच्छा, यही सारी चीज जो मैंने अभी एटम के लिए कही, यही मॉलिक्यूल्स के लिए, आयंस के लिए होती है। अब देखिए, मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, और आयंस के लिए कई लोगों ने कहा कि मॉलिक्यूलर वेट ना बोलो, होता वही चीज है, इसको फार्मूला वेट या फार्मूला मास बोलो। आप मॉलिक्यूल के लिए भी फार्मूला मास बोल सकते हो, क्योंकि आएगा तो फार्मूला से ही, ठीक है ना। अब बिल्कुल उसी तरीके से अगर मॉलिक्यूलर वेट एएमयू में दिया है तो ये मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है। तो अगर सैंपल का वेट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, सैंपल का वेट अगर एएमयू में है, आपने मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेगा। जैसे जैसे H2O का 18 है, तो 18 AMU का 1 H2O मॉलिक्यूल, 1 H2O मॉलिक्यूल, तो 54 AMU में 54 by 18 3 मॉलिक्यूल, तो ये हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिलेगा। वेट एएमयू में दिया जाए, अब नंबर पता चल गया तो मोल निकालने के लिए नंबर वाय हो गए टू नंबर। लेकिन अगर इसी तरह से मॉलिक्यूलर वेट अगर ग्राम में है तो ये मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल्स बता रहा है। वाटर का 18 है तो 18 ग्राम वन मोल वाटर, 18 एएमयू वन मॉलिक्यूल H2O, CO2 का 44 है, अगर 44 एएमयू तो वन CO2 मॉलिक्यूल, और 44 ग्राम तो वन मोल CO2, ठीक है ना। तो अब मेरा उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद होगा जिन्होंने पढ़ रखा है, ठीक है, नहीं पढ़ा है तो पहले चैप्टर पढ़ लो। तो अब यहां पर अगर हमको जो वेट ग्राम में दिया जाए और अब मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे तो मोल मिलेगा, मोल आ गया, नंबर के लिए मोल इंटू एन, ठीक है। तो ये बातें रिलेशन बिटवीन मोल एंड मास में है। इतनी बातें जो अभी मैंने जल्दी जल्दी आपको शॉर्ट में फार्मूले बोले हैं, इसको नॉर्मली क्लास में मैं जब पढ़ाता हूँ प्रैक्टिस के साथ, सवाल बीच बीच में कराता जाता हूँ, काफ़ी समझाता हूँ, तो लग जाता है 2-2.5 लेक्चर लग जाता है, ठीक है, उसमें काफ़ी सवाल भी आ जाते हैं। अब फिर है रिलेशन बिटवीन मोल एंड वॉल्यूम फॉर गैसेस, ठीक है ना। यहां जो भी बातें हैं वो गैसेस के लिए हैं। तो पहले मैं देखिए थोड़ा सा जैसा किताबों में दिया रहता है उससे थोड़ा अलग तरीके से आपको बता रहा हूं, फिर किताब वाला भी बता दूंगा। देखिए सबसे पहले याद रखिए कि गैस की जब भी बात आए तो पीवी इक्वल टू एनआरटी आपके जेहन में आना चाहिए। जब भी गैस की बात हो तो पीवी इक्वल टू एनआरटी आपके जेहन में आना चाहिए। तो प्रेशर, और उसमें भी एक बात याद रखिए, प्रेशर को एटमॉस्फेयर में रखो, वॉल्यूम को लीटर में रखो, टेम्परेचर को केल्विन स्केल में, मोल आप जानते हो नंबर बाय वो गड्डू नंबर, या वेट ग्राम में है तो बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो आर की आपको ये वैल्यू यूज करनी होगी 0.082। ऐसा करने से, क्योंकि ज्यादातर हम प्रेशर एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम लीटर्स में लेते ही हैं, टेम्परेचर केल्विन स्केल में कर लेते हैं, तो इससे आपको आर की वैल्यू ये यूज करनी पड़ेगी। अब मान लो तुमने कहा नहीं हम आर की वैल्यू 8.3 यूज करेंगे, तो फिर आपको वो एसआई यूनिट हो गई, तो फिर आपको प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में जाना पड़ेगा, फिर लफड़ा हो जाएगा, वॉल्यूम मीटर क्यूब में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तो इसको याद रखो। अच्छा, अब यहां पे देखिएगा कि पीवी इक्वल टू एनआरटी से मोल निकालने के लिए, मोल निकालने के लिए क्या हो जाएगा, पीवी बाय आरटी। तो हमारे लिए गैस के मोल्स अगर निकालना है तो सबसे अच्छा फार्मूला है पीवी बाय आरटी, सबसे अच्छा फार्मूला है पीवी बाय आरटी। किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे ये सॉल्व करेगा, जो प्रेशर है प्रेशर रख देना, वॉल्यूम जितना दिया हो आर 0.082, टेम्परेचर केल्विन स्केल में, 0 डिग्री सेल्सियस है 273.15, 25 डिग्री सेल्सियस है तो 298, है ना। तो ये सबसे अच्छा फार्मूला है जो हर जगह काम करेगा। लेकिन अब हम लोग चूंकि मोल कॉन्सेप्ट में ज्यादा वर्क करते हैं एसटीपी पर, एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एक बात और बता दूं कि एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, बट अगर हम लोगों के यहां एग्जाम में कहीं एनटीपी लिखा हो, सवालों में कहीं भी एनटीपी दिया हो, उसको एसटीपी ही समझना, ठीक है। नॉर्मली एनटीपी बताया जाता है रूम टेम्परेचर के लिए, अलग अलग कंडीशन में वो अलग अलग होता है, कभी 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, लेकिन हम लोग जब भी सवाल में एनटीपी आएगा एसटीपी मान के करेंगे। और एसटीपी का मतलब समझ लीजिए, देखिए जो पुराना कॉन्सेप्ट चल रहा था 20-25 साल पहले, वो ये था कि प्रेशर हम लोग लेते थे 1 एटमोस्फेयर, जो कि 1.01 × 10^5 पास्कल था, और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, एग्जैक्टली 273.15 केल्विन। तो जब हम क्या करते थे कि इसमें वैल्यू रख देंगे, इस फार्मूले में जब वैल्यू रख देंगे प्रेशर की, आर टी की, तो देखिए जो भी वॉल्यूम दिया जाएगा तो प्रेशर हमने क्या किया, 1 रख दिया, 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम जो भी दिया जाएगा, और नीचे आर 0.082, टेम्परेचर इतना, तो ये सॉल्व करके 22.39 मतलब 22.4 आता है। ये पुराना कॉन्सेप्ट था, तो हम लोग कहते थे मोलर वॉल्यूम इज 22.4 लीटर, 1 मोल का वॉल्यूम 22.4। लेकिन अब याद रखना चाहिए आपको कि जो नया कॉन्सेप्ट है, हालांकि उतना भी नया नहीं कहेंगे, ये मेरे ख्याल से 20-25 साल पहले IUPAC ने चेंज कर दिया था,
उन्होंने ये कहा कि अब देखिए प्रेशर जो पहले 1.01 इंटू 10 पावर 5 पास्कल था, उनका ये 01 हटा दो, ये हटाओ, 1 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल हम लोग स्टैंडर्ड प्रेशर लेंगे। अब ये इसकी ये जब था तो 1 एटमॉस्फेयर था, 1 जब इंटू 10 की पावर 5 पास्कल लेंगे तो ये करीब 0.98 एटमॉस्फेयर आएगा, और यही 1 बार आता है, ये एग्जैक्टली 1 बार आता है, सॉरी ये करीब 1 बार आता है और ये 0.98 एटमॉस्फेयर आता है। तो अब जब हम वैल्यू रखेंगे पीवी बाय आरटी में, तो प्रेशर 0.98, वॉल्यूम लीटर में 0.082273, इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये, तो ये 22.68 22.7 आ जाएगा। तो हमारा मोल्स का गैस का फॉर्मूला, मोल्स ऑफ गैस निकालना है एसटीपी पे, तो वॉल्यूम लीटर में अपॉन 22.7 लीटर। हाँ, अब अगर ml में होगा वॉल्यूम, ml में होगा तो 22700, ये जो इसको ml रहेगा तो लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 से वो 1000 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 22700 आ जाएगा। अच्छा, अब जब मोल मिल गए हैं तो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल के लिए मोल में na मल्टीप्लाई कर दो। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रहे कि ये 22.7 लीटर है, ठीक है। अभी जेई मेंस के एक सवाल में तो वो 22.8 लेके किया है, वो हमको ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये फार्मूले आपको क्लियर हुए होंगे, रिलेशन बिटवीन मोल एंड नंबर, मोल एंड मास, मोल एंड वॉल्यूम। अच्छा, इसको थोड़ा एक और तरीके से देख ले, जैसे हम लोग नॉर्मली इसको जब पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं इसको, हम लोग क्या करते हैं कि देखिए पहले 1 मोल गैस का एसटीपी पे वॉल्यूम कितना होता है, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी है तो वी हो जाएगा एनआरटी बाय पी, एन की जगह 1 कर दो, आर 0.082, ठीक है, और टी 273.15 केल्विन, और प्रेशर 0.98 नए वाले कॉन्सेप्ट से, तो ये जो है ना ये 22.7 लीटर आ जाता है। तो हम बोलते हैं कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस 22.7 लीटर है, ठीक। तो हम कहते हैं कि 22.7 लीटर गैस एसटीपी पर है, तो वो उसके अंदर 1 मोल गैस मॉलिक्यूल है, क्योंकि 1 मोल का ये वॉल्यूम है, तो 22.7 लीटर गैस अगर एसटीपी पे है तो उसके अंदर 1 मोल है, तो 1 लीटर में कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाय 22.7 मोल, तो v लीटर में कितना होगा, तो इनटू v, तो v अपॉन 22.7, ये इतने मोल्स गैस के हो जाएंगे। तो देखिए हम लोग इस तरह से डिवाइड करते हैं, इस तरह से हिलाते हैं, आया वही है देखिए, वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.7। हम लोग क्या करते हैं, पहले pv इक्वल टू nRT से 1 मोल का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो हम बोल देते हैं कि 22.7 लीटर मतलब 1 मोल, हर 22.7 लीटर एसटीपी पे 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर कहीं वी लीटर दिया है तो कितने मोल्स हुआ, तो 22.7 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमने पहले रिजल्ट लाए उससे डिराइव किया, तो मैं तो कहता हूं डायरेक्टली इसी से देख लो, पीवी इक्वल टू एनआरटी तो सबसे अच्छा आपका पीवी इक्वल टू एनआरटी है, ये मतलब ये तो किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे, एसटीपी क्यों, सब जगह काम करेगा, बट मैंने आपको एसटीपी पे इसलिए बताया कि उसकी मोल कॉन्सेप्ट में ज्यादा जरूरत होती है। तो ये तो फार्मूले हैं जो हमने रिलेशन बिटवीन मोल एंड नंबर, मोल एंड मास, ये अभी और भी कुछ फार्मूले हैं, जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूले से क्या क्या इंफॉर्मेशन हम गेन कर सकते हैं, तो वो सवाल के टाइम में आपको बताऊंगा, जैसे ही मैं सवाल आएगा तो मैं पहले बता दूंगा तब, तो इसको आप जरूर रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम जो है प्रीवियस ईयर्स की प्रॉब्लम्स प्योर मोल कॉन्सेप्ट की लेते हैं जो लास्ट 5 ईयर्स में आई हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 2019 2020 21 22 23, पहले ये लेटेस्ट वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं प्योर मोल कॉन्सेप्ट पे उनको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है।